ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई कैसे रोहित और रूही डेट पर जाते हैं और जानबूझकर यहाँ पर रोहित को रूही उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर अरमान और अभीरा होते हैं और ये देखकर रोहित को शक हो जाता है। और इसी बीच यहाँ पर अरमान और अभीरा रोहित और रूही के लिए रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं जिसकी वजह से अरमान और अभीरा के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी अभीरा अपने अरमान को काफ़ी प्यारे तरीके से मनाते हुए नजर आ रही है। तो वही आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखते कि भाई रोहित और रूही इतने जल्दी घर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर घर वाले काफी हैरान होते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही वो डेट पर गए हुए होते हैं और ये देखकर घर वाले शॉक में आ जाते हैं कि भाई इतने जल्दी ये दोनों क्यों लौट आए। तो यहाँ पर रूही बताती है कि जहाँ वो गए थे वहाँ पर अरमान और अभीरा भी आ गए और ये सब सुनकर घर वाले इस बार अरमान और अभीरा पर काफी नाराज होते हैं। विद्या और दादीसा मिलकर अरमान और अभीरा को बहुत सुनाते हैं। आगे यहाँ अभीरा सच्चाई का पता लगाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई रूही ने 2 घंटे पहले ही होटल में बुकिंग की थी और ये बात सुनकर भाई अभीरा शॉक में आ जाती है और कहीं ना कहीं इस बार अभीरा को रूही के इंटेंशंस के बारे में पता चल चुका है। तो वहीं आगे हम देख रहे हैं कि भाई रूही जानबूझकर ड्रामा करती है और रोहित को दिखाती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और वो उसको छोड़कर कहीं भी ना जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई हमारी रूही मैडम जो है वो जानबूझकर अरमान और रोहित के बीच में नफरत पैदा कर रही है और यहाँ पर कहानी में ठीक वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि दादी सा इस बार रोहित को हेड बना देती हैं पोदार हाउस का। लेकिन यहाँ पर रोहित की एक बड़ी शर्त होती है और वो शर्त ये है कि अरमान और अभीरा की जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए। लेकिन वही यहाँ पर अभीरा जो है शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि दादी सा रोहित के कहने पर हाँ कर रही हैं और यहाँ पर अभीरा चाहती है कि दादी जी दिल से उन्हें शादी करने की परमिशन दे तभी वो शादी करेगी।